हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राव देखने को मिल गई है। अब इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है, लोग 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस में सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो खट्टर साहब हैं चाहे सैनी साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले किसानों को नाराज किया, फिर जवानों को नाराज किया, फिर पहलवानों को नाराज किया और नाराजगी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अभी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जनता हार फेंकने से तैयार होती है, 5 तारीख लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ऐसी ऐसी योजनाएं इन्होंने लागू की जो जनता को भारी पड़ा है, तो ये नुकसान उनको होगा। और कांग्रेस सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो 7 गारंटी कांग्रेस ने दिया है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी मिलेगा। किसानों को जहां MSP की गारंटी है, जहां जो मुआवजा है वो तत्काल देने की बात है, साथ ही जो सरकारी नौकरी में है वो लागू करने की बात, 2000 रुपया महीना महिलाओं को, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ रहेगा और 100 गज प्लाट मुफ्त में दिया जाएगा, जो पहले सरकार ने योजना थी उसे लागू करेंगे और 3.5 लाख मकान वो बना के भी देंगे और जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम सरकार करेगी और पहलवानों के लिए